यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवार भी हैं इस सुल्तानी मस्जिद के इंतखाबात में, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर आप क्या इंडिपेंडेंट खड़े हैं या ग्रुप है आपका? जी ग्रुप के साथ है। कौन सा ग्रुप आपका? आप ऑटो है ग्रुप पर निशानी, इसके वास्ते खड़े हैं। खड़े हैं आप लोग? हम लोग 6 लोग हैं और डायमंड 11 लोग, उनका अलग ग्रुप है। जी मेरा नाम नौशाद अली है। जो इलेक्शन जो चल रहा है इस बार 2021 का, 21 जो सुल्तानी एंड मदीना मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है, ये इंतज़ामिया कमेटी है। तो इसके अलावा 2016 या 17 में जोडेशन चेंज करके लाए जोडेशन, और जो पहले का जो जोडेशन था उसको चेंज करके पूरे सिरसी टाउन बोल के डाल दिया है। टाउन बोल के डालने की वजह से जो वक्फ बोर्ड कमेटी है जहाँ की, यहाँ की लोकल, तो उन्होंने वोटिंग किया, वोटिंग कार्ड बनाया। okay, 2021 में बनाया। okay. तो 2021 में जो वोटिंग कार्ड बनाया उसके बाद में अब तक भी नए वोटिंग नहीं बनाए। 2024 है, 2021 का नोटिफिकेशन लेके 2024 में इलेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास, हम कैंडिडेट होने की वजह से हमारे पास बहुत से जिम्मे लोग आए, बहुत एरिया के लोग आए, क्योंकि यहाँ 1100 वोटिंग नहीं है, टोटल पूरी सिरसी में 10,000 वोटिंग है। 10,000 वोटिंग की वजह से जो नौजवान हैं, जो दूसरे एरिया के लोग हैं, वो आके हमसे पूछने लगे, हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी वोट कर सकते हैं, हमारा वोट क्यों नहीं है, हमारा भी बनाओ। तो इसकी वजह से हम इस मकसद से वक्फ बोर्ड ऑफिस को भी इंफॉर्मेशन दिए हैं कि वोट 11,000 है यहाँ पे, नए वोट लेकर 2024 का नए से इलेक्शन करो। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। मतलब इस बार का जो इलेक्शन है वो सिर्फ 1,000 वोटर्स के बिना? हाँ जी। अच्छा, इस बात की खुशी है कम से कम कि इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि 70 साल से एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ? जी इससे पहले इलेक्शन नहीं है, इंतजामिया कमेटी है ना, अगर अंजुमन होती तो इलेक्शन होते रहता हर साल, हर 3 साल में एक बार। ये इंतजामिया कमेटी है, इंतजामिया। हाँ नहीं, वफ का कोई भी इदारा हो जिसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो इनानी मसली हो या फिर इलेक्शन हो, पूरी तरह से इलेक्शन होने चाहिए ताकि उसमें ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ की आमदनी भी बताई जा रही है कि कई साल से लोग पैसा खा रहे हैं, 50 लाख की आमदनी होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी ये बात तो ऐसा है कि पूरे जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये पूरी प्रॉपर्टी कोर्टों में है, कोर्ट केसों में उलझी हुई है, कोर्ट केसों में उलझी हुए होते हुए तो किसी का ये नहीं बढ़ा सकते हम। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है जी, आपका एक दुकान है जिसकी कीमत जो है महाना 50,000 है, ठीक है, और वफ का एक दुकान वहीं बाजू में है, उसकी उसका किराया 1,000 लिया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड को, तो नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? ना वो तो नाइंसाफी है, मगर इसका भाड़ा बढ़ाने के लिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भाड़ा बनाने के लिए, लेकिन ये हुआ है ना, कोर्ट में है ना केस पूरे। भाड़ा कहाँ जमा हो रहा है? भाड़ा कोर्ट में जमा हो रहा है। हाँ इस वजह से हमें भाड़ा बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। फिर नई कमेटी आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह वही सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे कि जो केसेस है वो क्या वजह से है, किस वजह से है, वो चेक करके वापस लेके आगे की कार्रवाई अच्छी तरह से की जाएगी। अच्छा आप लोग बताएं, अभी जो इलेक्शन हो रहा है उससे आप खुश हैं कि नहीं? हाँ खुश हैं। इतने साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और जो आपकी प्रॉपर्टी है सुल्तानी मस्जिद की प्रॉपर्टी 250 करोड़ की, उसकी आमदनी अगर 50-60 लाख रुपये महाना आती है तो यहाँ के मुसलमानों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? फ़ायदा होगा। अभी जो है बहुत से इंक्रोच करके रखे सो है, वो ट्रिब्यूनल बेंगलुरु के ट्रिब्यूनल में वो रखे सो है केसेस, और पहले के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो गफला करे सो है, अब्दुल खादर मुलगुन बोल के, उनके पर 2 केस जो है इधर सिरसी कोर्ट में डाले सो है, अभी तक चार्ज नहीं दिए वो, और ज़बरदस्ती तहसीलदार आके चाबी खोल के चार्ज देना पड़ा, फिर भी उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, और पासबुक में जो पहले कमेटी वाले पैसे रखे थे सब लोग पूछते पैसे कहाँ गए, वो पैसे पूरे भी सेल्फ बोल के निकाले सो है, टोटल पैसा निकाल के 200-300 रुपये बचा के रखे सो है, वो पूरा भी वो दिन पंचनामा करके तहसीलदार कोर्ट को हम लोग फाइल करें, केस करें सो उनके बारे में, और जो भी हुबली रोड का सब प्रॉपर्टी है एकड़ के हिसाब से इंक्रोच हुआ है वो भी केस डाले सो है, उसके बारे में जो है ये वफ बोर्ड जो है ये काम नहीं कर रहा ठीक से, ये ऑफिसर लोग बंदे स्टेट बोर्ड ये केयरलेस करके रखे सिरसी बोले तो, अब सब नौजवान मिलके एक टीम बना के अभी वोटिंग सब कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नई जो कमेटी है वो आने के बाद में कोई भी सेटलमेंट ना करे, वो केस को कंटिन्यू करे, जो भी 1006 का हाई कोर्ट में चल रहा है उसको लड़े और फॉलोअप करे और केयरलेस मत करे, और किराया वो क्लियर प्रॉपर्टी कितनी है, क्लियर प्रॉपर्टी जो वक्फ को इदारे को जमा हो रही है रेंट वो कितने एक दुकान है? वो 40-50 दुकान है, 26 घर है, इदारे को जमा हो रहा है, सब इदारे को जमा होता है, उसमें से 12 दुकान जो है सीपी बाज़ार का हाई कोर्ट में वो जमा होता पैसा, वो कमेटी को नहीं जमा होता।
हम लोग क्या चाहते हैं ओपन कितना जमा हो रहा है, जैसे 12 निकाल के बचे हुए 40 दुकानें जो भी हैं, वो उसका जो किराया है वो सही लगता है आपको, क्या सही जमा हो रहा है? नहीं, बहुत पीछे, बहुत कम है, बहुत कम है। इंतजाम में कमेटी की गलती है, उसे बढ़ाया नहीं गया। इंतजामिया और वक्फ बोर्ड की एक गलती है इसमें। हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरे आवाम ये ओपन हराज करे, इसको ओपन हराज करके इसको किराए पे दे, ये कमेटी में बैठ के नहीं हो, ओपन हराज हो। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं उसको दिया जाना चाहिए, ओपन हराज कर। आप खुश हैं आज के इलेक्शन से? नहीं खुश है, लेकिन हम लोग खाजी गली सुल्तानिया मस्जिद को संबंध पड़ने वाले, ताल्लुक रखने वाले मुख्तदी हैं। 2021 में इलेक्शन को इलेक्शन बोल के हुआ और वही लिस्ट 2024 में दिए। ओके। जब उसकी इसके अंदर जो हमारे वक्फ बोर्ड के जो संबंध पड़ने वाले ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर इलेक्शन करवाने आए थे, लोगों को कन्फ्यूज करके इलेक्शन को खुद खड़े हो रहे, समझ रहे हैं? मैं बात जो बता रहा हूँ ऑफिसर्स कैसे नहीं खड़े हो सकते ना? नहीं नहीं खड़े हो सकते, जो ऑफिसर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वो हम लोगों को रास्ता बताने आए थे, भाई ऐसा करो ऐसा करो, इलेक्शन वही खुद खड़े हो गए। ऐसा कहने के लिए क्या होता है, बोल के खेत बाड़ी उठ गए, खेत चल रही है बाड़ी। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ इलेक्शन करना ही मुश्किल था, बहुत लोग इसको स्टे भी ले लिए, क्योंकि माफिया था, लोगों का कब्जा था, वो सब बेकार माफिया गिफिया कौन, वो सब कौन भी नहीं है, माफिया गिफिया इधर मेरे होते को मैं माफिया। साहब साहब बता रहे हैं कि 40 दुकानों का किराया बहुत मामूली आता है। मामूली है, उसको कमेटी है, कमेटी करो करके आगे करो ना, ये मतलब ही नहीं है। आठ साल से देखिए, जैसे जैसे हुबली का अंजुमन कल ही इलेक्शन हुआ है, वहाँ भी जो है पूरा जुडिशरी पूरे सिटी है। नहीं अगर ऐसा होगा आगे, अभी नहीं, अभी एक इलेक्शन हो रहा है आपका, आगे जाके डेवलपमेंट होगा, आप लोग भी उसमें अच्छे से कर सकते हैं। डेवलपमेंट होगा इसमें, वक्फ बोर्ड वाले भी शामिल है इसमें, वक्फ बोर्ड वाला सही नहीं है इधर, पूरे वक्फ बोर्ड वाले शायद मिले जुले है इसके अंदर, करप्ट है इसके अंदर। तुम्हें अभी हम ना पूछ रहे, मैं तुमने आउट का सवाल पूछा तो ऐसा नहीं ना, हमें खुद ठहरने वाले थे ना, हमें उम्मीदवार हमें अभी ठहरो ना, क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत कहाँ, किधर है? 2021 का इलेक्शन में आज डिक्लेयर कर, 2024 में डिक्लेयर करें, चांस कैसे, किसी दिन चांस है? हाँ पूछो उनको कि वक्फ बोर्ड में कितना नोटिस लगाए, किधर जनरल मीटिंग करे, बोल के उनको पूछो किसे वक्फ। कम से कम इलेक्शन हो रहा है, अगली बार फिर आपका इलेक्शन आएगा तो फिर मेंबर बनाना ही पड़ेगा आपको। नहीं बनाने का इंशाल्लाह होंगे। कम से कम एक पॉजिटिव खबर यह है कि 70 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन हो रहा है। नहीं इलेक्शन जुडिशरी बढ़ा दी गई है, वो बात अलग है, वो तो बढ़ाने का 70 साल से हो रहा है। हर मैनेजमेंट कमेटी 3 साल में चेंज होती है, अभी जो 8 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, 2 एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, इसके लिए नहीं हुआ इलेक्शन, मालूम पड़ा पहले से कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटर का जो टाइम है ना, वो 6 मंथ का है, 6 महीने में चेंज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ाते गए, बोले तो इलेक्शन प्रोसीजर के लिए बढ़ाते गए उनको, कंटिन्यू करते गए। लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा था यहाँ? इलेक्शन करने के लिए एक जुडिशन का जो मामला था इधर का, तो थोड़े लोग क्या बोल रहे थे, नहीं टाउन का होना बोल के, थोड़े लोग बोल रहे थे नहीं जुडिशन में होना, क्यों बोले तो हर एक एरिया का मजीद रजिस्ट्रेशन अलग है, वक्फ बोर्ड में हर एक कमेटी अलग है, हर एक एरिया अलग है, थोड़े लोग का ऑब्जेक्शन था कि हमारे जुडिशन में बनाओ बोल के, इसके लिए चल रहा था। फिर भी ये इशू सब जगह है, बहुत सारे जगह आता है, कॉमन इशू है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने की वजह से इसे पूरा शहर का इदारा बनाने में कोई गलती नहीं है। टाउन में हुआ, हम लोग एग्री है, उसको पसंद करते हैं हम लोग मैं ये खुद पसंद करता हूँ टाउन में होना इम्प्रूवमेंट के लिए। हम लोग नाराज़ इस बात से है जो एनकरेज किया वो भी इलेक्शन में ठहरा है, समझे ना, कौन पैसा खा के गया। आप लोगों को उसके खिलाफ केस करना चाहिए था कि ये आदमी नहीं ठहरना चाहिए। एलिगेशन दिए, सब किए, स्टेट बोर्ड तक दिए, फिर भी वो कुछ भी उसके बारे में ये नहीं किए। सर और एक बात है, मैं इस सिरसी के नौजवानों की तरफ से एक अहम बात कहना चाहता हूँ। ये जो इलेक्शन हो रहा है भले ही लेट हुआ लेकिन सही हुआ है, क्योंकि सिरसी की सुल्तानिया और मदीना मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 200 करोड़ की है, 50 किराए के मकानात है और 50 से ज़्यादा दुकान है और बड़े बड़े 2-3-4-5 गैरेजेस है और ईदगाह है और एक कब्रस्तान है और बहुत सारी क्या है प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के लिए कोई वारिसदारी नहीं, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हुई है। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से पूरी इंडिया की वक्फ बोर्ड की आवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ भी इलेक्शन नहीं हुआ वहाँ क्या है इंटरेस्ट लेके इलेक्शन करवाइए, वो चाहे 500 वोट हो या 1000 वोट हो या 10,000 वोट हो। ये वोटिंग के लिए भी वक्फ बोर्ड वालों ने वक्त दिया था कि वोटिंग कार्ड बनाओ बोलकर, तो वो वक्त में जितने वोटिंग कार्ड हुए वो लोग बनाएं। ओके, और अभी जो यहाँ पर बहुत सारे आप एक एक लीडर के पास जाएंगे तो एक एक बात सुनने के लिए आएगी आपको। मैं भी इधर का भी एक फिलहाल कैंडिडेट हूँ लेकिन मुझे भी 100% प्रॉपर न्यूज़ नहीं है। इसमें इलेक्शन में आने का मकसद ये है कि ये जो भी आमदनी आती है वो आवाम के लिए सही तौर पर से तकसीम हो जाए। अगर हम इधर का कैलकुलेशन करेंगे
तो हर साल 100 से यतीम बच्चों को हम अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे सकेंगे। 100 से ज़्यादा यतीम औरतों को हम उनको सालाना महीना एक पेमेंट दे सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो एजुकेशन में इंटरेस्ट है, उनके माली हालात कमज़ोर है, उनको हम माली हालात में क्या है उनको हम सपोर्ट कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे क्या है इधर प्रॉपर्टीज़ है। तो ये इलेक्शन जो भी हुआ, लेट हुआ, भले ही लेट हुआ लेकिन दुरुस्त है, ये होना ज़रूरी है। एक बड़ी बड़ी चीज़ और एक लास्ट बात है, 1100 चंदेदार बने हैं, नए कार्ड बने हैं, 1100 टोटल इलेक्शन के कार्ड है, वोटर्स है 1100 है। तो 2021 में कार्ड बनाए हुए हैं, आज 2024 है, तो उनका महीना 35 रुपया चंदा है। 1100 कार्ड का महीना 35 रुपये चंदा है, तो 4 साल हो गए सर, 4 साल हो गए। ये जो 1100 वोटर्स हैं ना, सिर्फ वोटर्स हैं, मस्जिद की इनकम के लिए नहीं है ये। इन 4 सालों में इन 1100 वोटरों में सिवाय 260 वोटर्स, जो 260 वोटर्स हैं जो यहाँ के मुत्तदी हैं पहले के, उनका चंदा क्लियर है। बाकी के 900 से 1000 वोटर्स का चंदा एक भी क्लियर नहीं है। महीना 35 रुपये से 4 साल का पैसा 1000 लोगों का कितना हुआ? क्यों नहीं वसूल किए, चंदा क्यों नहीं लिए? अरे मैं जब कार्ड हूँ, मैं एक मुत्तदी हूँ उस मस्जिद का, तो महीना मस्जिद का चंदा बोल के हम देते हैं ना, तो 4 सालों से इनका चंदा नहीं लिया, कितना बड़ा धोखा। नहीं बोले तो 12 से 13 लाख रुपया वक्फ बोर्ड वालों ने क्यों गलती की है? ऑफिसर्स ने चंदा क्लियर लेना था ना इनका, इन हज़ारों वोटरों का चंदा महीना महीना क्लियर होना था। आज पूछो कितने लोग हैं यहाँ पे, किसी का वोटर्स क्लियर है, चंदा क्लियर नहीं है। सही बात, आपकी बात बहुत सही है, चंदा लेना चाहिए था, लेकिन अब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की, 50 लाख की इनकम की फिक्र नहीं आपको, आपको छोटे से एक चंदे की फिक्र है, वो भी गलत है, देना चाहिए। नहीं वो भी गलत है, जो आप बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, पैसों की ज़रूरत है, मस्जिद को इनकम की ज़रूरत है और हालात सुधरने की ज़रूरत है इधर के, हम इस बात पे नहीं कह रहे। लेकिन जो वोटर्स है वो भी महीना महीना चंदा दे, अभी वोट करने वाले हैं ना, तो इधर से ताल्लुक हो गया उनका, अभी देना चाहिए बिल्कुल। आप ये बताइए कि अगर नई जो भी कमेटी आते हैं, जो लोग भी चुन के आते हैं, अलग अलग ग्रुप से चुन के आ सकते हैं, ऐसा होगा तो सब मिलकर इस इदारे को डेवलप करके इसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, यही है। तो इस तरह से लोगों के अलग अलग राय हैं, कुछ लोगों के हैं कि कार्ड जो हैं बहुत पहले बनाए गए थे, नए इनरोलमेंट नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह इदारों में होते रहते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा इदारा है, कहीं ना कहीं इससे आवाम को फ़ायदा होने वाला है, और यही सबसे अहम खबर है। हम आगे अभी ये कमेटी चुनने का, मस्जिद के मेंबर्स चुनने का, ये मस्जिद के मेंबर्स मिले तो क्या, ये 5 वक्त नमाज़ पढ़ना इन्हों क्या, हमें नॉर्मल पब्लिक है, हमें क्या भी हमारे पास गुनाह गिना होता रहता है। मेंबर चुनने वाले अपना माफ़ है कि नमाज, हम ना माफ़ नहीं है तो भी हमें इलेक्शन को ठहरे नहीं, तो इन्हों अभी 1 बजे से 2 बजे कौन भी नमाज गए ना यहाँ इलेक्शन में पढ़ी, ठीक है, एटलीस्ट तब तो बंद करना नहीं, इन्हों मस्जिद के मेंबर बनने वाले, क्या बोल रही हूँ तुम्हें, बराबर है कि नहीं बा, क्या तो गलत बोल रहा हूँ सलमान, क्या तो गलत बोल रहा हूँ, ये सब हमारे साहब, ये सब हमें आम जनता में, बराबर है कि नहीं। नमाज जो है सबके लिए है, हमार हमना भी तुमना भी सब, हमें जाके मैं इतना पूछना वाला, इतना इलेक्शन हो रहा है, खुश हैं आप? हाँ खुश है, खुश है, होना होना चाहिए इलेक्शन, होना चाहिए, होना चाहिए, चेंज होना ना, सब समथिंग चेंज होना। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लोग पैसा खा रहे हैं, लोगों को कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। अभी अभी चेंज होने के बाद कितना क्या क्या बचेगा देखेंगे, फिर 5 साल में पता चलेगा, 3 साल में पता चलेगा क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे। और कोई बात कहेंगे? और कौन बात करें? 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, हम ये इलेक्शन कई करीब ले रहा तो जो भी 47 ईयर्स से जो भी पैसे खा ले को कर ले कर गए ना, तो इसमें कौम के किसी भी एक बच्चे का क्या भी एक अच्छा भी होनी बुरा भी होनी, आज पूरी अवाम हमारे साथ में है, नौजवान बढ़ चढ़ को हिस्सा लिए इसमें, और अनवर बादशाह भाई साहब का, जमीर अहमद का बड़ा रोल रहने से आज इलेक्शन हो रहा है। जो भी तंजनदारा जो भी है ना, उन्होंने अपने आप से एक वादा करनी, क्या इलेक्शन होना और खुलूस मोहब्बत में कमेटी होना, इसमें ना इत्तेफाकी जो है, जो सब लिस्ट को 40-40 हज़ार रुपये अपने घरों को लेकर जा रही, मस्जिद को 30-30 रुपये 40 रुपये लेकर जा रही, अल्लाह को धोखा दे रही, हाँ यहाँ तक कि उमरा को भी जायजा को उमरा कर कहती हूँ, उनका ना उमरा हुएगा ना उनका हज हुएगा। अल्लाह वाला जो है अल्लाह का जाने, आप क्या कहेंगे? मैं क्या बने, सभी चौराहे बोलने वाला है, सब कुछ सभी बोल रहे, पूरे जो टीम थी इधर की पहले की अभी की इसके पहले पूरे चोरा, पूरे पैसे का को पूरे उनके घर बन ले लोगों को आवाम के वास्ते। तुम्हें ईमानदार है? मैं ईमानदार, मैं खाया नहीं वो पैसा, मैं खाया तो मेरे ऊपर मैं बोल ले सकता था, मैं अभी तक भी मैं चंदा भर रहा हूं, हमें जो चंदा भर रहे ना, मैं ईमानदारी से हमारा पैसा खाया उन्होंने चोरा, वो बात बोल रहे हैं। मस्जिद का पैसा कैसे ले चुना, अभी हमें ईमानदारी से अच्छा है, अभी अच्छा जो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मस्जिद का पहले जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ कि सही भी हुआ गलत भी हुआ, बहुत सारा गलत कुछ हुआ, कौन कौन ये पैसे खाए सच बात है, पैसे खाए तो सच बात है, मस्जिद का पैसा खाए
दूसरा लोगों का छोड़ो मस्जिद का काम उतार ही ना तो कम से कम अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना सही बहुत खुशी है सिरसी के आवाम सुन्नी मुसलमानों को नहीं बहुत खुशी की बात है इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट अच्छे बंदे बैठेंगे बोल के एक आस है उम्मीद है थोड़ा इंशाल्लाह 15 साल से इंतजार कर रहे सर हम इसका इलेक्शन का वो आज कामयाब है वक्फ बोर्ड और सबको हमारी तरफ से शुक्रिया। अभी जो इलेक्शन हुआ है अभी इलेक्शन होने के बाद हम जो अभी कैंडिडेट्स को चुन के लाते हैं तभी हम ना उनको हम ना रेट्स रहता है उनको जाकर पूछने के लिए पूछने को रेट्स रहता है क्यों हिसाब किताब दे रहे नहीं इसके पहला इलेक्शन हमारा है इलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा है इलेक्शन क्या खराब नहीं बोल बोल रहे नहीं इलेक्शन रुकाने का पीछे से आपको सपोर्ट करने का इलेक्शन रुकाने का पीछे से परसों देखे ने स्टे लेके अब उन्होंने चाहे खोड़े परसों क्या बोले ये मैं कौन से भी इलेक्शन के इसमें नहीं आता कौन से कि मेरे भाया नहीं उन्होंने कौन भी नहीं बोल को बोले अब भाया को सपोर्ट कर रहे हैं भाया को सब बोले सोले अभी सपोर्ट कर रहे हैं बोले बोल अभी क्या है लेकिन आवाम तो जानती है आवाम तो जानती नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं अभी इलेक्शन नक्को बोल को करे सोले स्टे लेकर स्टे लेकर को उन्होंने घुसले घुसले को कर रहे भाई कहीं में भी नहीं इसमें भाई मंजे क्या भी नहीं है अभी कौन भी हमें नौजवान पो रहा क्या भी खड़ों को कर रहे हैं बोले सर तो कौन भी आपको बात करने वाला कौन भी नहीं बाद पीछे से इनको कई होना था इन्हों कई गए वो बोलने वाले बहुत जने हैं है कि हाँ इलेक्शन हो रहा है सो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है इलेक्शन ये जो हो रहे नहीं उसके पीछे वक्फ बोर्ड वाले का बहुत साथ है इसके वजह से आज इलेक्शन हो रहा है बोल बोलने को मेन वजह क्या है बोल बोले तो वक्फ बोर्ड वाले रहने से आज ये इलेक्शन हो रहा है अभी क्या बोल बोले तो अभी इन्हों बोल रहे हमारा मदद इसका वोटिंग कार्ड का चंदा दिए नहीं ये दिए नहीं उसका ये बोल को बोल रहे हैं कहते हमें 200 की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी अभी उन्होंने 38 साल से कितना इनकम आना था उनको वो उनको एक ये फिक्र नहीं है उनको जो ये आना था बोल को अभी होता ही कि इतनी हमारी प्रॉपर्टी है कि हमें फ्री एजुकेशन दिए जाए फ्री हेल्थ हमें ये सिक्योर करे जाए बहुत कुछ हमें ये करे जाए गरीबों की हेल्प करे जाए लेकिन उन्होंने क्या भी सपोर्ट कर रहे हैं ये जो ये अभी कमेटी है तो पुरानी जो मरकज है ये वो है देखो कमेटी उन्होंने स्टे ले कारण सो अभी उन्होंने इलेक्शन को ठहरे हुए अभी उन्होंने सब भी प्रिपेयर है कि इलेक्शन हुए के बाद भी उन्होंने चेंज होने वाले हैं अभी क्या स्टे ले करने की भी उससे रेडी है उन्होंने अभी उन्होंने इलेक्शन हुए तो इलेक्शन हुआ बोल को ये फाइनल नहीं होता अभी उन्होंने भी स्टे ले करने वाले है इसके बाद हम भी क्या बोल बोले तो बहुत से देखो हमारे सिरसी के ये मस्जिद आएंगे देखो जगह भी बिका ले को ये करे से अब मस्जिद का जगह आता नहीं मस्जिद का जगह बिका ले को मदरसे के नाम पर कर लेता है मस्जिद वाले बोलते तो मस्जिद वाले पैसा देते थे नहीं मस्जिद का मस्जिद के लेने वाले अंदर से अंदर गुपचुप ये कर ले को मस्जिद की जगह भी बिका ले को मदरसे के नाम पर कर ले दाढ़ी छोड़ ले उन्होंने दाढ़ी छोड़ लो कैसे कामा करने का क्या शरीयत बोल को बोलते हैं हमारा छोटे हैं हमें थोड़ा शरीयत मालूम पड़ती नहीं ये जगह तो किसका बोल को मालूम पड़ता नहीं अब्बा कौन है अम्मी कौन बोल को हमारा मालूम पड़ता नहीं पता तो जानकारी है ना हमने इन दाढ़ियाँ छोड़ ले को ये मस्जिदा के टोपियाँ डाल ले को मस्जिदा के जगह भी काले से इंशाल्लाह मैं इनका नाम भी नेक्स्ट में कभी आए तो मैं इनका नाम भी बोलता हूँ।